हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर पेपर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें जो आपकी पहली यूनिट है वो है क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और क्रिस्टल बॉन्डिंग। क्रिस्टल आबंध, क्रिस्टल संरचना, ये है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल आबंध। अब क्रिस्टल आबंध, ये क्रिस्टल बॉन्ड पांच प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल आबंध या क्रिस्टल बॉन्ड पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला तो होता है आयनिक आबंध, दूसरा है सहसंयोजक आबंध, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा है आपका धात्विक बंध, धात्विक आबंध, मेटलिक बॉन्ड, चौथा है आपका वांडरवाल आबंध, वांडरवाल बॉन्ड, पांचवा है आपका हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध या बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पांच बॉन्ड हैं। आयनिक आबंध है, सहसंयोजक आबंध है, धात्विक बंध है, वांडरवाल बंध है और हाइड्रोजन बंध। तो इसमें सबसे पहले पहला पढ़ेंगे आयनिक आबंध। हेडिंग डालो आयनिक आबंध। हेडिंग डालो आयनिक आबंध। आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड। जैसे अणु है, ये दूसरा अणु है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम है, इलेक्ट्रॉन दाता देगा कब? जब इसके पास ज़्यादा होंगे, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री
इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन दाता अणु इलेक्ट्रॉन ग्राही अणु को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन दाता अणु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्राही एटम को दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें यहाँ से यहाँ चला जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये बीच में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कमी को किसके द्वारा बताते हैं, पॉजिटिव के द्वारा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये आयन बना, ये अणु आयन बना लेंगे, इसलिए पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन। तो इसमें लिखो, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड क्या कहलाता है, आयनिक आबंध कहलाता है। इसमें लिखो, जब इलेक्ट्रॉन दाता अणु इलेक्ट्रॉन ग्राही अणु के पास आता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही अणु के पास आता है, जब इलेक्ट्रॉन दाता अणु इलेक्ट्रॉन ग्राही अणु के निकट आता है तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। दोनों पास पास आएंगे तो आकर्षण बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के निकट आता है तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगेगा। देखो, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगने से फ्री इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, आकर्षण बल लगने से संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दाता अणु से इलेक्ट्रॉन ग्राही अणु में चला जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दाता अणु से इलेक्ट्रॉन ग्राही अणु में चला जाता है तथा दोनों अणुओं पर विपरीत आवेश आ जाता है तथा दोनों अणुओं पर विपरीत आवेश आ जाता है। इसका यहाँ से चला गया तो पॉजिटिव आ गया, इसके पास आ गया तो नेगेटिव आ गया, विपरीत चार्ज आ जाता है और दोनों आयन बना लेते हैं, अर्थात दोनों अणु आयन बना लेते हैं, अर्थात दोनों अणु आयन बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले, एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl दो से मिलकर बना हुआ होता है, Na और Cl। NaCl एटॉमिक नंबर Na का होता है 11, Cl का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास देखो इसका होता है, इस वाले का विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1।
6, 7, 8, 9, 10 और 11, इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, इसमें 5 है पी में, इसको लिख सकते हैं जैसे ये 10 और 10 एक्रिय गैस का नियोन का 3s1 और यहाँ पर 3s2, 3p5, जो बाहर की कक्षा है, जो 3 नंबर की कक्षा है, इसका s उपकोष, 3 नंबर की कक्षा का p उपकोष, 3 नंबर की कक्षा है उसका s उपकोष। अब इसके पास जो s है, s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर p है, p में 6 होते हैं, ये s, इसका 3s भी फुल है। अब क्या होगा, दोनों स्टेबल नहीं है, ये भी, इसका भी एक खाली है और इसके पास एक ही है, तो ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास पहले से एक है, अब यहाँ दो जाएंगे, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव, यानी NaCl से क्या बन गया, Na+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन Cl में आ गया और दूसरा क्या बन गया, Cl-, मतलब NaCl, Na+ और NaCl से मिलकर बना होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर पहले 11 था, एक कम हो गया 10, इसका पहले 17 था, एक बढ़ गया 18। विन्यास देखो, 1s2, 2s2, 2p6, ये इसका 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया। इसका भी जो तीसरा कक्ष था जिसमें s और p थे फुल है, इसका भी जो दूसरा है फुल है, स्टेबल हो गया। अब Na+ और Cl के बीच में जो बंध बनता है, इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, जो बंध बनता है वही क्या होता है, आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड होता है, इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है वही आयोनिक बंध कहलाता है। उतारो इसको, इस एग्जांपल को, लिखो, आयनों से मिलकर बने क्रिस्टल को, आयनों से मिलकर बने क्रिस्टल को, आयनों से मिलकर बने क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। दूसरी लाइन लिखो, आयनों के मध्य, दोनों आयनों के मध्य, दोनों आयनों के मध्य, दोनों आयनों के मध्य प्रबल विद्युत, प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, बल लगता है, दोनों आयनों के मध्य
प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है, प्रबल विद्युत बल लगता है जिसकी प्रकृति आकर्षण की होती है। तीसरा लिखो, आयनिक बंध इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिकों में बनता है, आयनिक बंध इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिकों में बनता है, आयनिक बंध अकार्बनिक यौगिकों में बनता है। उतारो इसको, दूसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें भी वही दो अणु पास पास आएंगे, दो अणु पास पास आएंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर की कक्षा में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, दो अणु पास पास आएंगे और इनके जो बाहरी कक्षा अपूर्ण है, अपूर्ण होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यदि बाहर की कक्षा खाली होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर लगा सकता है। तो ये चक्कर लगाता लगाता यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, ये दोनों साझेदारी करेंगे। साझेदारी मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गिना जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी गिना जाएगा, जाएगा नहीं, इसमें जाएगा नहीं, केवल साझा करेंगे और साझेदारी द्वारा अपना जो बाहर की कक्षा खाली है उसको भर लेंगे और स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, क्रिस्टल में निकटतम दो अणु, क्रिस्टल में निकटतम दो अणु जिनकी बाह्य कक्षा अपूर्ण हो, जिनकी बाह्य कक्षा अपूर्ण हो, उन कक्षाओं के फ्री इलेक्ट्रॉन, उन कक्षाओं के फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन कक्षाओं के फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन परस्पर साझेदारी द्वारा, परस्पर साझेदारी द्वारा, परस्पर साझेदारी द्वारा अपने बाह्य कोर्स को, परस्पर साझेदारी द्वारा अपने बाह्य कोर्स को पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं तथा दोनों अणुओं में बनने वाला बंध कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, सह संयोजक बंध कहलाता है,
सहसंयोजक बंध कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। एक क्वेश्चन है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और क्रिस्टल बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है? आयोनिक बॉन्ड और क्रिस्टल बॉन्ड दोनों में डिफरेंस बताओ। एक ही डिफरेंस है इसमें, मेन रूप से एक ही डिफरेंस है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में चला जाता है और यहाँ पर क्या करता है, परस्पर साझा करता है, साझेदारी करता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल ले लो, जैसे आपका CH4 किन से मिल के बना होता है, C से और चार एटम हाइड्रोजन के। C का एटॉमिक नंबर C का 6 और हाइड्रोजन का 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2, 2s2, 2p, इसमें 6 होते हैं लेकिन इसमें 2 ही हैं, कार्बन में 2 ही हैं, 6 भरे जाते हैं। इसका 1s1, इसका 1s1। CH4 का स्ट्रक्चर देखा होगा, इसे बात करूं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन 4, कार्बन का कितना था, कार्बन का था 1s2, 2s2, 2p2, ये कार्बन का था, हाइड्रोजन का कितना था 1s1। तो हाइड्रोजन के पास बार की क्लास में एक अणु, हाइड्रोजन के पास एक अणु, 4 हाइड्रोजन हैं तो चारों के पास एक एक। बार की कक्षा पहली, कार्बन की बार की कक्षा दूसरी, ये 2 नंबर की कक्षा, 2 में कितने हैं, 2 एस में हैं और 2 पी में हैं, तो कार्बन के पास बार की कक्षा में 4 हैं, 1, 2, 3 और ये 4। हाइड्रोजन के पास एक एक और कार्बन के पास 4। ये ऐसी संरचना होती है। अब देखो, इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1s2 चाहिए, इसको 2s2 2p6 चाहिए, इसको 1s2 चाहिए, इसको 2s2 2p6 चाहिए, मतलब बाहर वाले में 8 होने चाहिए, 6 पी में और 2 एस में। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी की, ये बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये हाइड्रोजन का साझेदारी की, ये बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन कार्बन में बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड तो बन गया, साझा कर लिया, लेकिन ये काउंट कैसे होंगे? जैसे काउंट होंगे, जो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो ये साझेदारी कर ली और ये इसके साथ गिना जाएगा, ये इसके साथ गिना जाएगा और एक इसके पास पहले से है, हाइड्रोजन के 2 हो गए, 1s2 पूरा हो गया, इसी प्रकार जितने भी हाइड्रोजन हैं उनके पूरे हो जाएंगे, इसमें भी एक येरा और ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया, चारों हाइड्रोजन के जो बाहरी कक्षक है वो भर गया। अब कार्बन वाले में चाहिए 8, 2 इसमें एस में और 2 पी में, 6 पी में, 2 एस में और, अब देखो कार्बन का भी क्या करेगा, हाइड्रोजन वाले से साझा करेगा, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कार्बन के पास कितने हो गए बाहर के कक्षा में, 8, हाइड्रोजन के पास 2, 2, 4, 6, 7, 4 पेयर हो गए। अब कार्बन का
कार्बन का भी कक्षक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी कक्षक पूरा हो गया, तो CH4 ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। ऐसा ही इसमें एक तो एग्जांपल आ गया आपके CH4, दूसरा आ गया आपका हीरे की संरचना, जटिल संरचना होती है उसमें भी कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। यहाँ तक नोट करो इसको। तीसरा है आपका धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। धात्विक बंध इसमें क्या होगा, जैसे ये नाभिक है, ये अणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक से बंधा हुआ है, ये है लूजली बाउंड, लूजली ढीला बंधा हुआ, ढीला बंधा हुआ मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो बिल्कुल ढीला है। इधर कोई क्रिस्टल जालक है, इधर कोई क्रिस्टल जालक है, ये मान लो क्रिस्टल जालक है, उसका भी आयन है, उसका भी मान लो आयन, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, या यहाँ पर भी ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये लूजली बाउंड है, लूजली बाउंड है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। दोनों पास पास आते हैं, पास पास आते हैं, यानी यहाँ तो पहले है ये वाला है आकर्षण, ये वाला भी आकर्षण प्रकृति का, इन दोनों के बीच में निकट आए तो प्रतिकर्षण, इन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण, पास पास आए, या फ्री इलेक्ट्रॉन है घूमता हुआ ये यहाँ पर आ गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ पर आ गया, ये वाली कंडीशन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। पहले क्या था, इन दोनों के बीच में रिपेल कर रहे थे, ये रिपेल कर रहा था, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल था, आकर्षण बल और इन दोनों के बीच में आकर्षण बल। अब क्या होगा, ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, इस पहला एटम है इसके इलेक्ट्रॉन को और दूसरा एटम है उसके उसका नाभिक है उसके मध्य आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल।
और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन है और पहले का नाभिक है उन दोनों के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा। यानी पहले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाभिक, एक बल तो ये लगता है आकर्षण का, दूसरा कौन सा है? पहले का नाभिक और दूसरे का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में बल लगता है। यदि ये बल प्रभावी हो, जो आकर्षण बल है ये प्रभावी हो, किससे प्रभावी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो पहले लग रहा था, या जो नाभिक नाभिक के बीच में, ये कम प्रभावी और ये अधिक प्रभावी हो, तो जो बंध बनता है, तो दोनों अणुओं के बीच में जो बंध बनता है वो ही धात्विक बंध कहलाता है। इसमें लिखो, धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीला बंधा हुआ होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु आयतन में गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। आगे लिखो, अतः फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा जालक आयनों के मध्य जो बंध बनता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन व जालक आयनों के मध्य जो बंध बनता है जालक आयनों के मध्य जो बंध बनता है उसे ही धात्विक बंध कहते हैं। ये नोट करो दोनों डायग्राम, ये अधिक प्रभावी होंगे और ये कम प्रभावी होंगे, तब बनने वाला बंध धात्विक बंध कहलाता है। तब बनने वाला बंध धात्विक बंध कहलाता है।
चौथा है आपका हाइड्रोजन बंध, इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो विद्युत ऋणी अणु, विद्युत ऋणी, जैसे आपका F हो गया, O हो गया, N हो गया, इनसे बंध बनाएगा, विद्युत ऋणी अणु है उनसे बंध बनाएगा। ये बंध बन गया, ये बंध बन गया, अब ये बंध है हाइड्रोजन को रिपेल करेगा, या ये बंध हाइड्रोजन से रिपेल होगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से प्रतिकर्षित हो गया, और जो आपका विद्युत ऋणी है, विद्युत ऋणी उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये बंध पहले दोनों के बीच में बंध रहा है, तो ये बंध इधर शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद्युत ऋणी पे, और जो बॉन्ड बनेगा वही बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन बंद होगा। इसमें लिखो जब हाइड्रोजन किसी, जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी तत्व से, जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी तत्व जैसे एफ ओ एन, जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणी तत्व से बंध बनाता है, बंध बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं, हाइड्रोजन से दूर चले जाते हैं, तथा विद्युत ऋणी तत्व के निकट आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा और विद्युत ऋणी तत्व के निकट आ जाएगा, निकट आ जाएगा। अतः हाइड्रोजन पर धन आवेश तथा विद्युत ऋणी तत्व पर ऋण आवेश आ जाता है। हाइड्रोजन पे धन आवेश और विद्युत ऋणी पे ऋण आवेश आ जाता है, तथा अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तथा अणु द्विध्रुव, दो ध्रुव हो गए, अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ये दोनों अणु, ये अणु और ये अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। दोनों के मध्य, दोनों के मध्य वांडरवाल आकर्षण बल, दोनों के मध्य वांडरवाल आकर्षण बल, या द्विध्रुव आकर्षण बल, डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, या द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। या तो कौन सा लगेगा, वांडरवाल आकर्षण बल या द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है। तथा यह फोर्स ही हाइड्रोजन बंध कहलाता है,
तथा यह 4C हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये वाला भी उतार लेना। जैसे हाइड्रोजन है F के साथ, F क्या है, विद्युत ऋणी है, यह आपका हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक नंबर 1s1, एटॉमिक नंबर है 1। F का है 9, F का है 9, 1s1, 2s2, सॉरी 1s2, 2s2, 2p5, 2p5, यहाँ भी एक ही कमी है और यहाँ भी एक ही कमी है, तो दोनों बंद बना लेंगे। यहाँ भी 2 हो जाएंगे और यहाँ भी एक ही कमी है, 6 हो जाएगा पी में। यहाँ से ये हो गया, जो बॉन्ड था वो इसकी तरफ चला गया, जो बॉन्ड था वो F की तरफ चला गया, शिफ्ट हो गया। तो H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और F पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। F पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी H पे पॉजिटिव चार्ज, F पे नेगेटिव चार्ज। जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वहाँ नेगेटिव ज़्यादा होता है, पॉजिटिव सिंबल कमी को बता रहा है। तो ये डाइपोल बन गए, डाइपोल के दो ध्रुव अपोजिट चार्ज, डाइपोल बन गया। डाइपोल के बीच में बल लग रहा है, आकर्षण बल, आकर्षण बल जिसको बोलते हैं वांडरवाल आकर्षण बल या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। और इसी फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लास्ट है, पांचवा। वांडरवाल बंद, वांडरवाल बंद, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बॉन्ड बच रहा है, चार बॉन्ड हो गए, आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, मेटेलिक हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड, चार बंद हो गए, इनको आराम से पढ़ना। पांचवा बॉन्ड बच रहा है वांडरवाल बल, इसको कल देखेंगे। इसमें एक एग्जांपल लेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन गैस होती है, टेम्परेचर कम करेंगे, ऑर्गन गैस से ऑर्गन ठोस में चेंज हो जाएगी, उसे ऑर्गन ठोस की व्याख्या या उसे ठोस ऑर्गन की व्याख्या, उसमें जो बॉन्ड बनते हैं उनकी व्याख्या ना तो आयनिक बॉन्ड से कर पाते हैं, ना कोवेलेंट बॉन्ड से कर पाते हैं, ना मेटलिक बॉन्ड से कर पाते हैं, ना हाइड्रोजन बॉन्ड से कर पाते हैं। इसके लिए वांडरवाल बॉन्ड पढ़ेंगे, इसको कल देखते हैं।